देखो कंपास से भी नहीं बनेगी इतनी गोल। जरा सा बदलाव रिश्तों की सेहत के लिए अच्छा है, तो क्यों ना अपनों का खाना धारा ऑयल में बनाएं और रिश्तों की सेहत बढ़ाएं। वर्ल्ड वॉच न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। दमोह शहर के आसपास की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे आपको हर खबर का तुरंत अपडेट मिलता रहे। आइए नजर डालते हैं बड़ी खबर पर। दमोह जिले के मुर्शिद बाबा मैदान के समीप देर रात दो बच्चों में जमकर विवाद हो गया। विवाद के बीच तलवारबाजी की घटना सामने आई है, जिसमें भाई और बहन गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए दमोह जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों भाई बहन का इलाज जारी है। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि बच्चों के विवाद को लेकर दोनों बच्चों के बीच विवाद हुआ है, जिसके बाद यह घटना सामने आई है। वहीं पुलिस के द्वारा पूरे मामले की जाँच की जा रही है। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। घटना में दो भाई बहन जख्मी हुए हैं, जिनका जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। पुलिस के द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है। घटना मुर्शिद बाबा मैदान के समीप की देर रात की बताई जा रही है, जहां घायलों को जिला अस्पताल में लाया गया है। पुलिस के द्वारा मामले की जांच कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। घटना के संबंध में क्या कहना है घायल का, सुनते हैं। क्या हो गया आपके साथ? तलवार। किसने तलवार मार दी आपको? बाबू गुलाम। कोई आपका पुराना विवाद था? नहीं, कोई विवाद नहीं। किस वजह से तलवार मारी? वो गाय आए लेकर जा रहे थे हमारे, उनको रिश्तेदार से लड़ पड़ा था, तो छुड़ाने का, तो हम ही लोग को लड़। अभी कोई विवाद हुआ है आपका? क्या विवाद? नहीं, वो हमारे रिश्तेदार से लड़ रहा था, तो हम लोग छुड़ाने गए थे बाहर। कितने लोग थे वो लोग? दो तीन जने थे। किस किस को चोटें आए हैं? हमें और हमारे सिस्टर। क्या नाम है आपका? सहमाज। और दो लड़कों के नाम का, एक का नाम कासिम बाबू है। इसकी शिकायत दर्ज कराई आपने? कहाँ कराई? कोतवाली।